वेलकम गाइस, मैं हूं तस्कीर। इस वीडियो में मैं देख रहा हूं शाहीन अफरीदी की निकाह सेरेमनी का वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। निकाह पढ़ाया जा रहा है, ये कबूल है। कबूल है। वाह जी वाह, ससुर और दामाद। ये सही होता है यार, पाकिस्तान में निकाह हो गया शादी बाद में। निकाह में भी कुछ लोग आए होंगे ना, करीबी यही है। क्रिकेटर नहीं आए होंगे। शादाब खान कह रहे हैं मैं इसका सीनियर हूँ, इनका व्यू हुआ है कुछ दिन पहले। कप्तान साहब भी आ गए। लाला शाहीन अफरीदी का जब उनको पढ़ाया गया कबूल है, करीब आकर उन्होंने कह तो दिया भाई कबूल है। यानी कि शादी में, शादी नहीं निकाह, सिर्फ निकाह कहेंगे इसको, क्योंकि ऐसा ही देखा है मैंने पाकिस्तान में, ज़्यादातर ऐसी होती हैं। निकाह हुआ, फिर कुछ टाइम बाद शादी का फंक्शन बाद में होगा, ज़्यादातर लोगों मैंने ऐसे ही देखा है। लेकिन हाँ, अच्छा लगा कि शाहीन अफरीदी की बहुत टाइम से चर्चा थी यार, शाहीन अफरीदी शादी होगी, शादी होगी, शादी होने वाली है। क्योंकि नाम जो जुड़ा हुआ था रिश्ते का, वो लाला की लड़की से जुड़ा हुआ था, शाहिद अफरीदी की लड़की से। तो ये इसलिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चर्चे थे कि यार शाहीन अफरीदी की बेटी से शादी होने वाली है। लो आखिरकार वो निकाह हो गया, जिसकी पब्लिक को बहुत ज़्यादा चर्चा थी, पब्लिक में बहुत फेमस हो रही थी जो शादी, वो हो चुकी। तो मज़ा आया, सब लोग आए इसमें, कप्तान एंड शादाब कह रहे थे मेरी अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है तो मैं सीनियर हो गया। बाकी अच्छा लगा फंक्शन, बहुत सिंपल तरीके से निकाह हो जाता है। शादी का फंक्शन देखते हैं कैसा होगा, वो अभी बाद में होगा। लेकिन हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शाहीन अफरीदी, PSL स्टार्ट होने से पहले शादी मतलब निकाह कर लिया है। यार ये ऐसे क्यों करते हैं, आप लोगों में से कोई समझाना कि यार पहले क्यों कर लेते हैं। यहाँ पर तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि शादी है, उसी दिन निकाह, वही शादी, बारात गई, सब लोग गए, खाना वाना खाया और आ गए लेकर लड़की को, ऐसे इस टाइप से होता है। आपके यहाँ ऐसा क्यों होता है, अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।